रुक जाओ दीपक, मेरे शक और यकीन को और मजबूत करने आए हो। अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं रही, तेरे हाथों में इसका हाथ एक जिंदा सबूत है। दीपक, मेरे बाबूजी समझते थे कि घर में लक्ष्मी आएगी तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। घर की मान मर्यादा सब कुछ लुट गया। तुम्हारा कुछ भी नहीं गया दीपक, दम तोड़ती हुई चिंगारी को हवा मत दो, जो कुछ बचा है वो भी खाक हो जाएगा। जिस मर्द की बीवी भागकर किसी और का हाथ थाम ले, उसके पास आग से बचाने के लिए कुछ नहीं होता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है दीपक, ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि तू इसे पाने के लिए अमीर बना? क्या यह सच नहीं है कि बिना इंटरव्यू के नौकरी देने के साथ साथ गाड़ी और बंगला तूने इसकी वजह से दिया था? क्या यह सच नहीं है कि तेरी लाख कोशिश करने के बावजूद जब तू उसे खुलकर नहीं मिल सका तो तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया? अगर इतनी बातें सच है तो तेरी मोहब्बत के फसाने गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ, गलत नहीं है, ये सच है कि पूजा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, मगर मैं इसे पा ना सका। मेरे हालात गर्दिश में थे, तू खुश नसीब था इसे अनचाहे पा गया, मैं कम नसीब था चाहकर भी पा ना सका। हजारों हाथ आसमान की तरफ उठते हैं मगर दुआएं सबकी कबूल नहीं होती। तुम्हारे नसीब में इससे शादी लिखी थी और मेरे नसीब में इसका अधूरा प्यार। तेरा अधूरा प्यार मेरी शादी पर भारी है, यह अब भी तन मन से तेरी है। यह मेरे घर में थी, तू इसके दिल में था। दीपक चिल्लाना मत, थक गया तू इसकी तस्वीर को पूछते पूछते, जा इसकी पूजा कर। इसे मर्द मिल गया तो मुझे बीवी मिल जाएगी, मेरे घर में कुलटाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दीपक गाली मत दो मुझे, हर युग में सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। मगर राम हर युग में चाहेगा कि सीता के वजूद पर किसी रावण की परछाई न पड़े। किस परछाई की बात कर रहे हो तुम? जब सीता राम की हो जाती है तब उसके आगे लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। जब मैं कृष्णा की थी तो तुम्हारी नहीं थी, जब मैं तुम्हारी हो गई तो कृष्णा को भुला दिया मैंने। तूने कि हर लड़की प्यार करती है, मैंने भी किया। तूने कि हर लड़की शादी करती है, मैंने भी की। अगर तुम दोनों अपनी जगह सही हो तो मैं भी गलत नहीं हूं, मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मगर तुम दोनों के कारण मेरी जिंदगी नर्क बन गई, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि समझ में नहीं आता कि मेरी शुरुआत क्या थी और मेरा अंत क्या है। तेरी शुरुआत तेरा ये आशिक है और तेरा अंत तू खुद है। मेरे साथ बंधे रिश्ते की डोर टूट गई है, अब तू मेरे पीछे भी चलेगी तब भी तुझे पलट कर नहीं देखूंगा। दीपक, ये रिश्ते इतने आसानी से तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। मेरी तरफ देख, मैं कृष्ण प्रसाद, कहने को तुम्हारा मालिक, भगवान के घर में खड़ा होने के बावजूद तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं वो मैं भगवान से भी मांग सकता था, मगर मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं देगा, क्योंकि इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ चिंता आ रहा है। देखो दीपक, मैं पागल हो सकता हूं क्योंकि मैंने प्यार किया है, मगर तुमने तो शादी की है, तुम्हें पूजा से यह बेरुखी शोभा नहीं देती। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा पूजा को मत दो, मेरे प्रायश्चित की ना सही, पूजा के सम्मान की तो लाज रखो। मैं तुम्हें इस तरह इसे छोड़कर जाने नहीं दूंगा। दीपक चल हट। दीपक, मैं इतना कमजोर नहीं कि तुझे रोक ना सकूं। तो रोक ले, रातें तू गुजारे और पति का नाम मैं दूं। दीपक, तूने पूजा के बारे में ha 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 ha
और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूं। कहां है वो इसका दिल जिसमें मैं रहता हूं? अरे ये पक्की हिंदुस्तानी है यार। हां मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब समझता है? कुछ भी इसे दिखता है? ये एक आंख से दिखती है, बहुत सालिम है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखती, मैं इससे भी ज्यादा सालिम हूं। अरे पागल, अगर ये मुझसे प्यार करती तो चुप चुप के थोड़ी मिलती। एक रात में तुझे और तेरे घर वालों को लात मारकर केपी गुप्ता इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाती, क्या कर लेता तू? मगर ये ऐसा नहीं करेगी, मालूम है क्यों? ये इंडिया है इंडिया, यहां पर औरत दीवार से तो गिर सकती है मगर अपने मयार से नहीं। यहां पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जात पात, ऊंच नीच, पीढ़ी सीढ़ी, खानदान पानदान, संस्कार कार, बैंक बैलेंस, हंट बंट शंट, बाबा जी का घंट, सब देखा जाता है साला। मगर क्या फायदा? इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा। क्या? मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बनाकर सजाना चाहता था आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई है। और तू कहता है कि ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर की जटाओं में उलझने के बावजूद गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है ये। मैं देख सकता हूं, तू नहीं देख सकता। तू विश्वास कर, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। बोल, तू विश्वास करता है कि नहीं? कृष्णा। हाँ बोल। है कृष्णा, तू करता है कि नहीं करता है? हाँ नहीं नहीं। हे राम। कृष्णा, ये तुमने क्या किया? दुनिया सच्चाई का सबूत मांगती है नहीं। और सच्चाई साबित करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। दीपक, मैंने पूजा को घर बुलाया था मगर वो मेरी हवस नहीं थी, मेरा अहंकार था। तुम मुझे बुरा कह सकते हो मगर गिरा हुआ नहीं। कृष्णा नाम है मेरा, काला, मगर तुम तो दीपक हो। अपनी रोशनी में पूजा की पवित्रता को देख सकते हो। दीपक, मर्यादा ही राम का दूसरा नाम है। अपनी हद से ना गुजरे कोई इश्क में, जिसे जो मिलता है नसीब से मिलता है। कृष्णा, शिकवा नहीं किसी से, किसी से